हेलो गाइस, हेलो टू एवरीवन। हेलो गाइस, आई एम ऑडिबल और विजिबल? एक बार मुझे फटाफट जल्दी से बता दीजिए, मेरी वॉइस सब स्टूडेंट को क्लियर आ रही है? कम ऑन फास्ट। सो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हो आप लोग? कम ऑन फास्ट, एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। कम ऑन फास्ट। सो गाइज, आई एम ऑडिबल और विजिबल? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज। आज के सेशन में हम डिटेल में बहुत सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को कवर करेंगे अपने सेशन के अंदर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं बात करूं गाइज, हमारी जो थ्योरीज हैं उनको लेके आज हम डिस्कस करने वाले हैं चीजों को, कि हमारी जो अर्थ है उसका फॉर्मेशन, जो हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं। बेसिकली गाइस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या रीजन हुआ, क्यों हमें जरूरत पड़ी, इस थ्योरीज से हमें पता लगेगा गाइस। हम इस थ्योरीज, जो हमारी ये थ्योरीज आएंगी, लाइक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, लाइक सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, उसके बाद अगर मैं बात करूं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये वो थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं हमारी अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं। ये थ्योरीज वो हैं जो एक्सप्लेन करती हैं माउंटेन बिल्डिंग के बारे में, जो एक्सप्लेन करती हैं रिफ्टिंग के बारे में, जो एक्सप्लेन करती हैं प्लेन्स और प्लेट्यूज के बारे में, कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। और गाइस, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, बिकॉज इसी थ्योरी ने आगे की जो जो थ्योरीज आई, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफर्स थे, जो हमारे फिलोसोफर्स थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने आगे की जो थ्योरीज लिखा ली, वो थ्योरीज जो उनके पीछे का जो बैक, अगर मैं बात करूं कहीं से, अगर हमें कहीं सिनेरियो मिला कि ऐसी चीज क्यों हो रही है, उसके पीछे हमारी सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसको आज हम डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे अपने इस क्लास में। साउंड इज नॉट क्लियर? किस किस को साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, एक बार मुझे बताइए। कम ऑन फास्ट, एक बार। आई एम क्लियरली ऑडिबल? कम ऑन फास्ट गाइज, एक बार मुझे बता दीजिए किस किस को साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। कम ऑन फास्ट, एवरीथिंग इज क्लियर? ओके गाइज, फाइन। देखिए गाइज, एक्चुअली मैं बहुत अर्जेंट वर्क से थोड़ा बाहर था, इसी वजह से मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया था कि 22 और 23 को हमारी क्लास नहीं होगी। अभी भी गाइज, जस्ट मैं विद इन 2 आवर्स पहले ही स्टूडियो पे पहुंचा था अपनी। उसके बाद मैंने टीम से बात की कि सर मे बी पॉसिबल कि आज हमारी क्लास हो पाएगी, बिकॉज सारा सेशंस को क्रिएट करना होता है। तो टीम ने उसके लिए चीजों के, सर ने बोला सर नो इश्यू, मैं चीजों को क्रिएट कर देता हूँ। आफ्टर दैट हमारा सेशन क्रिएट किया आप लोगों के लिए, और हमने ये टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, विच इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल। और वहीं कहीं ना कहीं आप बहुत सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को समझ नहीं पाते, वो सारी चीज अपने सेशन के अंदर कवर करने वाले हैं। दैट इज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। किसने दी थी, कौन थे फोर फादर्स हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, वो बात करेंगे। बात करेंगे अलग अलग क्या क्या एविडेंसेस दिए उन्होंने, हम बात करेंगे उन्होंने पोस्टुलेशंस क्या क्या दिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस थी जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबल बताई कि ये कॉन्टिनेंट अलग क्यों हुए। अगर आप देख पा रहे हो, ये कॉन्टिनेंट पहले इस पोजिशन में थे, नाउ दे आर सेपरेटिंग, ये अलग अलग हो गए, ये क्यों हुए। अलग अलग थ्योरीज हैं जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं आने वाले अपकमिंग 2-3 डेज के अंदर, जिसके अंदर ये पूरी जियोमॉर्फोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। फाइन, ओके। सो गाइज, अगर मैं बात करूं इस टॉपिक के बारे में, बिफोर स्टार्टिंग अ टॉपिक, दिस इज अनिरुद्ध मलिक, आई डन माई बीटेक फ्रॉम यूपीटी यूनिवर्सिटी, टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 ईयर्स, आई टॉट एंड मेंटर मोर देन 30,000 ऑफलाइन स्टूडेंट्स एंड लैक्स ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट। गाइज, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी ऐप पर। सर, फॉलो करने से क्या होगा अनअकैडमी ऐप पर? गाइज, फॉलो करने से आपको अनअकैडमी ऐप पर आपको रेगुलर मेरी क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। बिकॉज गाइज, मैं अनअकैडमी ऐप पर 2 क्लासेस कवर कर रहा हूँ। वन है 10:30 AM, 10:30 AM मेरी अनअकैडमी ऐप पर क्लास चल रही है, जिसके अंदर मैं टॉप 1000 MCQ क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ, टॉप 1000 MCQ क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूं। और ये क्लास रेगुलर मॉर्निंग में 10:30 AM होती है, और एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जस्ट यूज द कोड कैपिटल AM10, आपको कैपिटल AM10 कोड यूज करना है, आप फ्री में इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं।
एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, मैं कंप्लीट लक्ष्मीकांत कवर कर रहा हूँ विद डिटेल के साथ, कंप्लीट लक्ष्मीकांत है। और गाइज इसमें यहाँ पर ये क्लास 3 PM पर चल रही है अनअकैडमी की ऐप पर, और फ्री क्लास है, जस्ट यूज द कोड कैपिटल AM10। तो आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर यूपीएससी सीएससी कैटेगरी को चूज कर सकते हो, और चूज करने के बाद गाइज वहां पर आप अनिरुद्ध मलिक को सर्च कीजिए और मुझे वहां पर आप फॉलो पर क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स मिलते रहे चीजों के सारे पॉइंट के साथ। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि फॉलो करने के बाद ये सारी चीजें मिल जाएंगी, और मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, स्टूडेंट आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन में रख देंगे। गाइस अनअकैडमी ने मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो भी स्टूडेंट है जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। 1 month का प्लस एक्सटेंशन उनको मिलेगा, प्लस लाइव मेंटरशिप मिलेगी अनअकैडमी के एंड से। तो आप जितना जल्दी हो सके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अनअकैडमी क्यों गाइस, मोर देन 170 एंड 178 सिलेक्शन दिए हैं फ्रॉम लास्ट 2 years। वहीं पर रीजन क्या है सिलेक्शन इतने देने का, सर रीजन बिल्कुल सिंपल सा है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है अनलिमिटेड कोर्सेज है, अनलिमिटेड वॉच टाइम है, आपके एक सब्जेक्ट के 10 से ज्यादा एजुकेटर हैं, जिसमें मैं आपको हेल्प करूंगा कि किन एजुकेटर से किस तरीके से आपको कोर्स को मैनेज करना है, रिगार्डिंग किससे एंशियंट, किससे पॉलिटी, किससे क्या पढ़नी है, सब चीजों में आपको मेरे एंड से हेल्प रहेगी। प्लस आपको ऑल कोर्सेज हैं, प्रीलिम्स मेंस ऑप्शन प्लस इंटरव्यू, सब चीज की प्रिपरेशन आपको एक ही जगह मिल रही है। और वहीं पर गाइस जैसे ही आप AM10 कोड यूज करते हो, यू विल गेट द डिस्काउंट ऑफ अराउंड मोर देन 6000 के अप्रोक्स फॉर 1 year। उसके बाद जैसे जैसे आप AM10 कोड यूज करोगे डिस्काउंट मिलेगा, मेरी मेंटरशिप मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, स्ट्रक्चर कोर्स टाइम टेबल सब कुछ कवर होने वाला है। आइकोनिक बोनांजा जो आपके लिए चल रहा है, जिसमें आपको ये मिलना था आइकोनिक में, बट गाइस दीज आर द एक्स्ट्रा फीचर्स। CSC एश्योर मिल रहा है आपको, एक एक्स्ट्रा क्रेडिट मिल रहा है एवरी मंथ, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस बुकलेट मिल रही है। जैसे ही आप AM10 कोड यूज करते हो 7500 रुपीस की 10 बुकलेट्स मिल रही है, जिसके अंदर 10,000 MCQ है, वो आपके होम एड्रेस पर डिलीवर्ड हो जाएगी आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन लेते हो। टेस्ट सीरीज है गाइज, आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, मेंस की ऑप्शन की दोनों की है, जस्ट यूज द कोड AM10। और बेस्ट जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा है, डिटेल एनालिसिस है, मॉडल आंसर्स है, एवरीथिंग आपको मिलेगा। गाइज अनअकैडमी कॉम्बैट 26 जून को आपका अनअकैडमी कॉम्बैट हो रहा है मॉर्निंग में, और गाइज बिल्कुल फ्री कॉम्बैट है, AM10 कोड यूज करके आप यहां पर एनरोल कर सकते हो, और आपको मेरे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यहां पर एनवायरनमेंट के कॉम्बैट में। और आप देख सकते हो प्रीवियस कॉम्बैट से 26 जो मे को कॉम्बैट हुआ था उससे मेरे डायरेक्टली क्वेश्चंस बने थे यूपीएससी के प्रीलिम्स में, तो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। प्लस ये कॉम्बो आइकोनिक सब्सक्रिप्शन है, जैसे ही आप AM10 कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, मेंटरशिप, गाइडेंस। ऑप्शन लेना चाहते हैं गो फॉर ऑप्शनल खाली। उसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि सर हम लोन के थ्रू सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आप लोन के थ्रू ले सकते हो, मेंटरशिप, गाइडेंस, स्ट्रक्चर कोर्स सब कुछ मिलेगा। बट लोन नोट वन पॉइंट, आपको अप्रूवल 2 hours के अंदर मिल जाएगा, नॉर्मल एक फॉर्म फिल करना है, और जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो AM10 कोड जरूर यूज कीजिए, तभी आपको मिल पाएगा, बिकॉज सेल्स की टीम से कुछ भी आपको हेल्प नहीं हो पाएगी। वहीं पर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो EMI पर ले सकते हो, जो आपका नॉर्मल पेमेंट है बस वही पे करना है, कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट नहीं करना, सिर्फ AM10 कोड यूज करके ही ये आपको सारी फैसिलिटीज लोन प्लस क्रेडिट कार्ड प्लस सिंगल टाइम पेमेंट से आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पर, अल्फर्ड वेगनर के, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सो गाइज आर यू रेडी, फटाफट जल्दी से मुझे एक बार बता दीजिए आप लोग सब रेडी हो, यस या नो? सर बहुत काम आएगा आपका जो कंटेंट है ना, पढ़ते तो रहिए, जब आपके मेंस के पेपर आए ना, और जब आपका प्रीलिम्स का पेपर आए, या जब प्रीवियस ईयर के पेपर है, एक बार हमारे कंटेंट से मिलाइए तो सही, उस कंटेंट से मिलाइए तो सही एक बार, फिर सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी, ठीक है? अब मैं आपके सामने बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं, हमारा टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, क्या क्या चीजें हैं, क्यों जरूरत पड़ी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को आने के लिए, सारे एविडेंसेस के साथ हम चीजों को बात करने वाले हैं। गाइस बेसिकली क्या हुआ, मैं आपको चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। अल्फर्ड वैगनर साहब थे एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फर्ड वैगनर, ठीक है? अल्फर्ड वैगनर साहब एक थ्योरी लेके आते हैं, बेसिकली एक अपनी पूरी
एक अगर मैं बात करूं एक थ्योरी लेके आते हैं, उस थ्योरी का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उन्होंने इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, अल्फर्ड वैगनर ने इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को 1912 में लेके आए, और उसके बाद इस थ्योरी को पब्लिश किया अराउंड 1920 टू 22 के अप्रोक्स उन्होंने इस थ्योरी को पब्लिश किया। ये थ्योरी क्या थी, इस थ्योरी का लाने का क्या रीजन था, वो आज आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ पाए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है सारी चीजें। तो गाइस सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, अब हम बात करेंगे कि रीजंस क्या रहे होंगे अल्फर्ड वैगनर को ये थ्योरी लाने के लिए, और वो इस थ्योरीज के थ्रू क्या समझाना चाहते थे। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले गाइस अगर हम बात करें, जो अल्फर्ड वैगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लेके आए 1912 में, तो सबसे पहले CDT, दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या थे लाने के लिए कॉन्टिनेंटल थ्योरी के। सबसे पहला पॉइंट है टू एक्सप्लेन द क्लाइमेट चेंज, टू एक्सप्लेन द क्लाइमेट चेंज। बेसिकली क्या हो रहा था, जो एल्फर्ड वैगनर साहब थे ना, उन्होंने नोटिस किया कि जो अफ्रीका है, जो ऑस्ट्रेलिया है, जो इंडिया है, यहां पर क्लाइमेट पहले कुछ और था, यहां पर क्लाइमेट कुछ और था, और अगर प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो यहां पर क्लाइमेट कुछ और है। दैट मींस यहां पर क्लाइमेट चेंज हुआ है। दो रीजन हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज होने के, उन्हें लगा कि या तो ऐसा हुआ हो कि जो हमारी प्रेशर बेल्ट्स है, जो हमारी प्रेशर बेल्ट्स है वो शिफ्ट हुई हो, क्योंकि अगर मैं बात करूं इक्वेटर पर हमारी लो प्रेशर बेल्ट है, दैट मींस वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। तो अगर इक्वेटर पर जो आज अफ्रीका में, आज इंडिया में जो क्लाइमेट है, ऐसा क्लाइमेट पास्ट में नहीं था, इट मींस अगर वहां पर इस टाइप का क्लाइमेट है तो वहां पर क्लाइमेट चेंज होने के लिए दो रीजन हो सकते हैं, या तो हमारी प्रेशर बेल्ट्स शिफ्ट हुई हो, या दूसरा रीजन उन्होंने दिया कि सर प्रेशर बेल्ट के साथ साथ या हमारे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट किए होंगे। या तो हमारी प्रेशर बेल्ट ने शिफ्ट किया होगा, या हमारे कॉन्टिनेंट जिस जगह पर आज हैं वहां पर नहीं होंगे। अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझाता हूं। उनका कहने का मतलब था, अगर यहां पर ये इक्वेटर है, इस इक्वेटर पर अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इस इक्वेटर के पास अगर इंडिया है यहां पर, तो एल्फर्ड वेगनर साहब ने बताया कि सर यहां पर जो आज टेम्परेचर हाई है इस वाले एरिया में, ऐसा टेम्परेचर पास्ट में अफ्रीका में नहीं था। यहां पर इस एरिया में टेम्परेचर और जो क्लाइमेट था वो डिफर था। अब डिफर होने के लिए या तो ऐसा हो सकता है अगर यहां पर टेम्परेचर एक्सट्रीम लो हो, यहां पर ग्लेशियर्स मूव कर रहे हो, तो दैट मींस यहां पर इस वाले एरिया में जो आज लो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती होंगी, क्योंकि अगर यहां पर ग्लेशियर है तो दैट मींस इट इज नॉट पॉसिबल कि इस एरिया में लो प्रेशर बेल्ट होगी, क्योंकि यहां पर लो प्रेशर बेल्ट का फॉर्मेशन वहां होता है जहां पर टेम्परेचर हाई होता है। पहला इन्हें यह लगा कि प्रेशर बेल्ट ने क्या पता शिफ्टिंग की हो। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि अगर यहां पर अफ्रीका जो आज यहां पर क्लाइमेट है तो वो क्लाइमेट नहीं हो सकता पास्ट में, यानी कि पास्ट में अफ्रीका इस जगह की पोजीशन के बजाय या तो नीचे की तरफ रहा होगा टूवर्ड्स द पोल, या ऊपर की तरफ रहा होगा टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल। दैट मीन जो अफ्रीका, जो ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया कॉन्टिनेंट है, इन्होंने ड्रिफ्ट किया होगा अपनी पोजीशन से, तभी पॉसिबल है कि जो क्लाइमेट है वो चेंज हुआ होगा। सो पहला पॉइंट कौन लेके आए, एल्फर्ड वैगनर साहब। एल्फर्ड वैगनर साहब ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लाने से पहले, और जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी थी, इन्हीं के माइंड में दो तीन चीजें आ रही थी। पहला पॉइंट आ रहा था कि उनको एक्सप्लेन करना था क्लाइमेट चेंज को, उसके साथ साथ उनको प्रूफ करना था। सेकंड पॉइंट था, उनको प्रूफ करना था कि जो ओशियंस है एंड कॉन्टिनेंट्स जो है वो अनस्टेबल है। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर अनस्टेबल, जो उनकी प्रेजेंट पोजिशंस है ना वो एक तो, और उसके साथ साथ कहीं पर माउंटेन्स देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर उनकी फिजियोग्राफी चेंज हो रही है, तो वो अनस्टेबल क्यों है, व्हाट इज द रीजन कि कहीं पर माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस हो रहा है। बिकॉज अगर आप देखोगे आज भी इंडियन प्लेट मूव कर रही है, आज भी इंडियन प्लेट का मूवमेंट हो रहा है अगर आप देखोगे, और कंटिन्यूअसली मूवमेंट हो रहा है टूवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट। इट मीन्स कि जो हमारे फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं, जो कॉन्टिनेंट्स के बेसिन्स हैं, ओशियंस के बेसिन्स हैं, और जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये अनस्टेबल हैं। ये अनस्टेबल क्यों है, दूसरा रीजन ये था। समझ में आया,
क्लियर है, किसी भी तरीके से कोई समझ में आया। तीसरा इन्होंने बोला कि अगर कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए, अगर कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए तो इसका मतलब क्लाइमेट चेंज हुआ। ये सारी चीजें यहां पर ये समझना चाहते थे और ये समझाना चाहते थे अपनी इस थ्योरीज के थ्रू जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। समझ में आया किसी को कोई दिक्कत परेशानी? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, सारी चीजें बताऊंगा, पूरी हिस्ट्री बता दूंगा कि कैसे कैसे कहां पर क्या क्या चीज हुई। यहां तक बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट परेशानी या नहीं? समझ में आए यहां तक? अब बात करते हैं इन्होंने क्या पोस्टुलेशन लेके आए, ये पोस्टुलेशंस क्या लेके आए कि ये ड्रिफ्ट हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्या क्या चीजें। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके पोस्टुलेशंस के बारे में, तो अल्फर्ड वैगनर साहब ने सबसे पहले क्या बोला, अल्फर्ड वैगनर साहब ने सबसे पहले बोला कि देखिए जो हमारी अर्थ है बेसिकली वो तीन लेयर में बनी हुई है। अगर हम बात करें, नंबर वन इज क्रस्ट, नंबर सेकंड इज मेंटल एंड नंबर थर्ड इज कोर। ये तीन लेयर इस तरीके से आपकी फॉर्म्ड है। सबसे पहले इट इज मेड अप ऑफ सियाल, ये सियाल से बनी है, ये सीमा से बनी है मेंटल, और ये आपकी कोर नीफे से बनी है। इन्होंने बोला कि जो सीमा है ना ये भारी है और सियाल है ये हल्का है, तो दैट मींस इसका मतलब सियाल के ऊपर सीमा फ्लोट कर रही है। ये चीजें इन्हें समझ में आ रही थी। तो इन्होंने सबसे पहले जो चीज बोली, इन्होंने बोला कि बात है कार्बनीफेरस पीरियड की। समझने की कोशिश करना, बात है कार्बनीफेरस पीरियड की। इन्होंने समझाने की कोशिश की जो पीरियड था वो कार्बनीफेरस था, कार्बनीफेरस पीरियड की बात है। उस टाइम पीरियड पर आपका पूरा जो वर्ल्ड है वो एक सिंगल लैंडमास हुआ करता था, और उस सिंगल लैंडमास का नाम था क्या चीज थी, पेंजिया। उस सिंगल लैंडमास का नाम था पेंजिया, ये अल्फर्ड साहब ने बताया। इन्होंने बताया कि ये पूरा एक सिंगल लैंडमास था जिसका नाम था पेंजिया, और उस पेंजिया के चारों तरफ, समझने की कोशिश करना, उस पेंजिया के चारों तरफ एक बहुत बड़ा ओशियन था और एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी थी, और उस वाटर बॉडी का नाम था पेंथालसा। उस वाटर बॉडी का नाम था पेंथालसा, ये बोला अल्फर्ड वैगनर साहब ने। समझ में आया? तो उन्होंने फिर बोला कि जो एंड ऑफ कार्बनीफेरस पीरियड है, उस एंड ऑफ कार्बनीफेरस पीरियड के जो ये पेंजिया है ये दो पार्ट्स में ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, और जब दो पार्ट में ब्रेक्स हुआ दैट मींस ये जो ऊपर वाला पार्ट बना इसको उन्होंने बोला लॉरेशिया, लॉरेशिया और अंगारा लैंड। अगर हम बात करें ये अबव वाला जो पार्ट है ये लॉरेशिया, आगे बताऊंगा लॉरेशिया से और क्या क्या चीजें हुई। सो जो अबव पार्ट है दैट इज नोन एज द लॉरेशिया, उसके नीचे वाला जो पार्ट है ये बना आपका गोंडवाना लैंड। So, उसको बोला उन्होंने ये था गोंडवाना लैंड और ये था आपका अंगारा लैंड, और इसके जो नीचे वाला पार्ट था दैट इज ये पूरा लॉरेशिया भी था, और इसके बीच में जो वाटर बॉडी थी उसको उन्होंने नाम दिया टेथियस सी, उसको नाम दिया टेथियस सी एक तरीके से। समझ में आ गया? ये सारी चीजें हुई, कैसे कैसे हुई, क्या क्या हुई, ये मैंने आपको बताया। अभी इमेजेस के थ्रू आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्लियर है? आगे जाके इन्होंने रीजंस भी बताए कि क्या रीजंस थे कि जो हमारे ये कॉन्टिनेंट है ये अलग अलग हो रहे हैं, इनके पीछे का रीजन क्या है, ये चीजें भी बताई अल्फर्ड वैगनर साहब ने सब सीक्वेंस के साथ। अब आपको बताने वाला हूं मैं, आइए इमेजेस में क्या बताया अल्फर्ड वैगनर साहब ने। अल्फर्ड वैगनर ने बताया एट परमियन पीरियड, परमियन पीरियड की बात है आज से 250 मिलियन ईयर्स पहले की, कार्बनीफेरस टाइम पीरियड का है ये, तो 250 मिलियन ईयर्स पहले एक सिंगल लैंडमास था उन्होंने बताया, और जो सिंगल लैंडमास था अगर आप क्लियरली यहां पर विजिबिलिटी के साथ देख पा रहे हो चीजों को तो मैं आपको शो कर दूं, तो ये जो है ये सिंगल लैंडमास था जिसका नाम था पेंजिया, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, आज से 250 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। उसके बाद क्या हुआ गाइस, जैसे जुरैसिक पीरियड आया आप नोटिस कर रहे होंगे कि एट द एंड ऑफ कार्बनीफेरस पीरियड ये पेंजिया था, इसके चारों तरफ बहुत बड़ा वाटर बॉडी का एक ओशियन था जिसका नाम उन्होंने पेंथालसा दिया था। और उसके बाद इन्होंने बोला कि जब जुरैसिक टाइम पीरियड था, सो गाइस दिस पेंजिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज अंगारा लैंड एंड सेकेंड वन इज गोंडवाना लैंड। तो जो ये अपर पोर्शन है दिस वन, दिस इज नोन एज द अंगारा लैंड, और जो नीचे का पोर्शन है दिस इज नोन एज द गोंडवाना लैंड।
फिर इन्होंने बताया कि जो स्प्लिट था वो अराउंड 200-250 मिलियन ईयर्स पहले एक सिंगल लैंड मास था, और अराउंड 200 मिलियन ईयर्स पहले जो अंगार पेंजिया था ये दो पार्ट में ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, और जब इसका ब्रेक हुआ तो आफ्टर 20 मिलियन ईयर्स एगो या 20 मिलियन ईयर्स बाद आपका जो जुरैसिक पीरियड था वहां पर मिलियन की जो आपका पेंजिया था उसकी पोजिशन ये थी, ऊपर वाला अंगारा लैंड जिसको लॉरेशिया बोला गया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। आफ्टर दैट इन्होंने बोला पैलियोजीन पीरियड अराउंड 66 मिलियन ईयर्स पहले जो पूरा वर्ल्ड था उसकी पोजीशन इस तरीके से थी, और आप देख पा रहे हो कि यहां पर आपको मेडागास्कर दिखेगा, सो अराउंड 60-70 मिलियन ईयर्स पहले इंडिया की पोजीशन यहां पर थी, दिस इज द इंडिया। आप क्लियरली यहां पर इंडिया को देख पा रहे हो नीचे की तरफ, अगर आप और अच्छे से देख पाओगे इस वाली पोजीशन में, और इंडिया के साइड में आपको मेडागास्कर दिखेगा। फिर इंडिया ने क्या किया, आफ्टर 70 मिलियन ईयर्स बाद इंडिया ने ड्रिफ्ट करना स्टार्ट किया टूवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ इंडिया ड्रिफ्ट कर रहा था, और यहां पर ये यूरेशियन प्लेट है और इंडिया फिर टकराता है यूरेशियन प्लेट के साथ आके, और जब इंडिया यहां पर आकर टकराता है फिर यूरेशियन प्लेट के साथ यहां पर हिमालय का फॉर्मेशन होता है। यहां पर किस चीज का फॉर्मेशन होता है, किस चीज का फॉर्मेशन होता है सर, यहां पर हिमालय का फॉर्मेशन होता है। एंड गाइज दिस इज द क्वार्टनरी पीरियड एंड दिस इज द इमेज ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड जो आज के टाइम में आपको दिखती है। दीज आर द 7 कॉन्टिनेंट्स विद ऑल द ओशियंस, इन सारे ओशियंस के साथ मैंने आपको इमेज यहां पर शो की है बहुत अच्छे से। अभी मैं और डिटेल में आपके सामने चीजों को डिस्कस करने वाला हूं अपनी इस क्लास में। फाइन, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किस किस को समझ में आई और किस किस के ऊपर से गई, मैं 10 बार आपको पढ़ाने के लिए समझाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मुझे बताइए किस किस को डाउट है जो मैंने अभी तक चीजें पढ़ाई। एक बार जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, प्लीज एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए सभी स्टूडेंट, कम ऑन फास्ट सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइए यहां तक चीजें क्या रिपीट करना है मुझे फटाफट। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि रिपीटिशन किस चीज का करना है, हमें ये तो बता दीजिए कि रिपीटिशन किस चीज का करना है। अगर हमें यही नहीं पता लगेगा कि रिपीटिशन किस चीज का है तो फिर हम कैसे कर पाएंगे, हाउ इज इट पॉसिबल, फटाफट बताइए जल्दी से। क्लियर है सर, प्लीज एक बार आप दोबारा रिपीट कर दीजिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कोई दिक्कत नहीं है, नो इश्यू। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, आज से 250 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, 250 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, समझना पॉइंट को समझना, हमारा जो पूरा वर्ल्ड था वो एक सिंगल लैंडमास था, उस सिंगल लैंडमास का नाम था पेंजिया। बहुत आराम से समझाता हूं, ये पूरा एक सिंगल लैंडमास था, इसका नाम था पेंजिया, समझ गए चीजों को, ठीक है। अभी मैं आपके सामने बहुत अच्छे से समझाता हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए, अभी सारी चीजें आपके सामने लिखते हैं, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। हमारी जो पूरी अर्थ थी वो एक सिंगल लैंडमास थी, समझने की कोशिश करना, एक सिंगल लैंडमास, ये सिंगल लैंडमास था, ठीक है, ये सिंगल लैंडमास हमारा, इसको पेंजिया बोलते हैं, आज से 250 मिलियन ईयर्स पहले की बात है। उसके बाद गाइस ये जो हमारा सिंगल लैंडमास है ये 200 मिलियन ईयर्स पहले ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गया, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, किस तरीके से सर, इस तरीके से ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, बिल्कुल अगर आप देख पा रहे हो इस तरीके से, ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, दो पार्ट में, जो ऊपर वाला पार्ट था ये बना अंगारा लैंड, यहां पर देखिए क्या बना, अंगारा लैंड, दूसरा पार्ट क्या बना, गोंडवाना लैंड। तो ये पेंजिया जो था सिंगल लैंडमास ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, वन इज अंगारा लैंड एंड सेकेंड वन इज गोंडवाना लैंड। उसके बाद क्या हुआ गाइस, ये जो आपके अंगारा लैंड बना इसका फर्दर डिवीजन हुआ और ये अंगारा लैंड आपका दोबारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक बना यूरेशिया और एक बना आपका नॉर्थ अमेरिका। अगर मैं आपको इमेज में दोबारा शो करने की कोशिश करूं, आगे आइए चीजों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, यहां पर क्लियरली चीजों को देखने की कोशिश करना बहुत अच्छे से।
अराउंड 250 मिलियन ईयर्स या 245 मिलियन ईयर्स पहले जो आपकी इमेज थी, ये पूरा एक सिंगल लैंडमास था। और इस सिंगल लैंडमास के इधर यहां पर आपको एक गोंडवाना लैंड दिख रहा होगा बहुत अच्छे से सभी स्टूडेंट को, ठीक है। अब क्या हुआ, ये फर्दर डिवीजन होना स्टार्ट हुआ और जो हमारा कॉन्टिनेंट है ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, वन इज लॉरेशिया जिसको अंगारा लैंड बोलते हैं एंड सेकंड वन इज गोंडवाना लैंड, और ये गोंडवाना लैंड इसी कॉन्टिनेंट का दूसरा पार्ट है। अब ये लॉरेशिया जो है ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हुआ और उससे बने नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। अगर आप देखोगे इसी अंगारा लैंड को दो पार्ट में डिवीजन हुआ और इसी से हमारे दो कॉन्टिनेंट बने, एक तो नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया, और जो ये यूरेशिया था इसके अंदर रशिया प्लस जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो पार्ट कंटेन करता था यूरेशिया। इसको अंगारा लैंड को लॉरेशिया लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप देखोगे सेंट लॉरेंस रिवर है यहां पर, उसके साथ साथ आपकी लॉरेंस शील्ड है, अगर मैं बात करूं यहां पर उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं यहां पर आइलैंड्स है, तो इसी वजह से इसका नाम लॉरेशिया लॉरेशियन शील्ड्स है, कैनेडियन शील्ड लॉरेशियन शील्ड्स, तो इसी नाम से इसको लॉरेशिया भी कहा जाता है। और इस लॉरेशिया के नाम पर ही यहां पर लॉरेशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी है, लॉरेंशियन टाइप ऑफ लॉरेंशियन शील्ड है, सेंट लॉरेंस रिवर है। वो क्यों है, बिकॉज इस कॉन्टिनेंट का जो पूरा पार्ट है जिससे बना है इट इज नोन एज द लॉरेशिया, गॉट इट। तो इस लॉरेशिया से क्या बने, हमारे दो कॉन्टिनेंट बने, आप देख पा रहे हो बहुत अच्छे से, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ गाइस, ये नीचे वाला पार्ट है हमारा गोंडवाना लैंड, इस गोंडवाना लैंड का फर्दर डिवीजन हुआ, समझने की कोशिश करना। ये गोंडवाना लैंड आपको दिख रहा है यहां पर, देखिए बहुत ध्यान से, ये गोंडवाना लैंड दिख रहा है यहां पर, इस गोंडवाना लैंड का फर्दर डिवीजन हुआ सब पार्ट का, और इसी गोंडवाना लैंड से अलग अलग पीसीज में जब ये आपका हुआ, एक बना साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसके बाद दूसरा जो कॉन्टिनेंट बना दैट इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और उसी के बाद इसी से निकली इंडियन प्लेट, इसी से निकला हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, और इसी से निकला अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अब समझने की कोशिश करना, अगर ये गोंडवाना लैंड का ये वाला पार्ट अफ्रीका और जो साउथ अमेरिका है इसको मैं सिंगल इस तरीके से ले रहा हूं, अब क्या हुआ गाइस, समझने की कोशिश करना। अब ये कॉन्टिनेंट आपका इस तरीके से आप देख सकते हो ब्रेक हो गया, ये बना साउथ अमेरिका और ये बना अफ्रीका। तो जब ये कॉन्टिनेंट दोनों इस तरीके से अलग हुए, ड्रिफ्ट हुए, तो इसके बीच में अगर आप देख रहे हो ये एस शेप में ड्रिफ्ट हुए, किस शेप में हुए, एस शेप में ड्रिफ्ट हुए, तो इसी के बीच में आपका जो डिप्रेशन था वहां पर वाटर कंटेन कर गया और उस एरिया में बना अटलांटिक ओशियन, उस एरिया में बना अटलांटिक ओशियन, समझ में आ रहा है, उस एरिया में बना अटलांटिक ओशियन, गॉट इट। तो किसके बीच में बना, जब यहां पर ये कॉन्टिनेंट अलग अलग ड्रिफ्ट हुए, गॉट इट। आपको एजिस समझ में आई कि इनका ड्रिफ्ट किस तरीके से हुआ, क्या क्या चीजें हुई। अब यहां पर इनका ड्रिफ्ट हो गया इधर की तरफ, ये साउथ अमेरिका निकला, इसी से अफ्रीका निकला, यहां पर आपको दिख रहे होंगे इससे निकला मेडागास्कर, और इसी के साथ यहीं से निकला इंडिया, और उस टाइम पर अगर आप देखोगे यहां पर ये इंडियन प्लेट है और इसी इंडियन प्लेट के साथ ये अटैच है ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एज अ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। उसी के साथ यहां पर नीचे अंटार्कटिका था और ये अंटार्कटिका यहां पर ज्वाइन था, ये अंटार्कटिका इसी कॉन्टिनेंट से अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास सिंगल कॉन्टिनेंट है गोंडवाना लैंड। इस गोंडवाना लैंड का ब्रेक हुआ, इधर गया साउथ अमेरिका, इधर अफ्रीका, ठीक है, समझना। उसके बाद इसी गोंडवाना लैंड का एक पार्ट ड्रिफ्ट होके टूवर्ड द साउथ चला गया और ये बना अंटार्कटिका। फिर एक प्लेट बनी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भी फर्दर डिवीजन हुआ, और जो डिवीजन हुआ ऑस्ट्रेलियन प्लेट चली गई टूवर्ड द साउथ ड्रिफ्ट करके, इंडियन प्लेट चली गई टूवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। कार्बनीफेरस पीरियड का मतलब है जब कार्बन की जिस एज में कार्बन का डीकंपोजिशन होके फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हुई थी वो कार्बनीफेरस पीरियड है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका फर्दर डिवीजन हुआ और उसके बाद ये इंडियन प्लेट मूव करते करते नॉर्थ में आके टकराती है किसके साथ,
इंडियन प्लेट आके टकराती है यूरेशियन प्लेट के साथ और यहां पर हिमालय बनते हैं, ऑस्ट्रेलिया यहां पर साउथ में आ जाता है और यहां पर अंटार्कटिका है, इधर की तरफ अफ्रीका है और ये आपका नॉर्थ अमेरिका, और उसके बाद इसी से बताया जाता है कि बाद में ये छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं ये इन्हीं कॉन्टिनेंट से ड्रिफ्ट हुए, और बताया गया कि बाद में जो जापान है, इंडोनेशिया है, जो ये यूरेशिया प्लेट का पार्ट है, ये छोटे छोटे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए। बट ये जो ड्रिफ्ट का इन्होंने रीजन दिया छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स का, ये बाद में जो थ्योरीज आई उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि बाद में जब चीजें पढ़ी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई उसमें ये बताया गया कि जो छोटे छोटे आइलैंड्स बने हैं ना ये वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं, इनका फॉर्मेशन वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण हुआ है, तो ये कॉन्टिनेंट के ड्रिफ्ट होने से छोटे छोटे जो आपके आइलैंड्स बने हैं ना, आइलैंड्स आर्क बने हैं, वो इनका पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आया? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, एनी वन ऑफ यू, कि सर क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, कहां पर गए, कैसे कैसे चीजें हुई, फटाफट बता दीजिए, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो, एनी वन ऑफ यू, कि क्या पढ़ा दिया, कैसे पढ़ा दिया। ठीक है, समझ में आया? किसी को भी क्या है कैसे है, यहां तक पॉइंट सबको क्लियर है, कैसे कॉन्टिनेंट बने, क्या क्या चीजें हुई। अगर बिल्कुल भी नहीं समझ में आया तो और अच्छे से समझ सकते हो, ये पूरा पेंजिया है, सिंगल लैंडमास, वो पेंजिया फर्दर ब्रेक हुआ दो पार्ट में, ऊपर वाला लॉरेशिया, नीचे वाला गोंडवाना लैंड, इसी से यहां से निकला साउथ अमेरिका, यहां से अफ्रीका इधर की तरफ गया, उसके बाद यहां पर इंडियन प्लेट इधर गई, उसके बाद ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा ये पार्ट अरेबियन आइलैंड, ये ड्रिफ्ट होके इधर गया, यहां पर ये इंडियन प्लेट इधर गई, ये छोटा सा मेडागास्कर दिख रहा होगा, एंटार्क्टिक प्लेट साउथ में गई, ऑस्ट्रेलियन प्लेट इधर की तरफ आई, और प्रेजेंट टाइम पर अगर आप देखोगे तो दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्टिनेंट जो लाई करता है। यहां पर ये ग्रीनलैंड है, ये भी इससे अलग हुआ, उसके बाद ये नॉर्थ अमेरिका, अटलांटिक, और ये सारे कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन होते हुए आपको दिखा होगा। समझ में आया? क्लियर है? अब मैं आपको आगे ये कैरेबियन आइलैंड्स एंड ऑल में सब पढ़ाऊंगा, अभी मैं बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं इस जियोमॉर्फोलॉजी में, अभी मैं माउंटेन्स कैसे बने, अभी आइलैंड्स कैसे बने, अभी मैं बात करूंगा प्लेट्यूज कैसे बने, लेक्स कैसे बनी, ये सारी चीजें आपके सामने डिस्कस करूंगा आने वाले टाइम पीरियड में जो मैं चीजें डिस्कस करने वाला हूं। तो मैंने आपके सामने एक एक पॉइंट रखा कि कैसे कैसे सारे कॉन्टिनेंट्स बने, इवॉल्व हुए और किस तरीके से इनका फॉर्मेशन हुआ। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर बेसिकली अगर हम बात करें, अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और उसके बाद अराउंड 1920 में इसको पब्लिश किया, उसके बाद इन्होंने बताया कि एक सिंगल कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है पेंजिया, उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा ओशन है जिसका नाम है पेंथालसा, उसके बाद बताया कि पेंजिया, यहां पर ये पेंजिया है और ये दो पार्ट में बना और ये गोंडवाना लैंड है, इसके बीच में उन्होंने तेथियस सी के बारे में बताया, और तेथियस सी के बाद इन्होंने बताया कि 200 मिलियन ईयर्स पहले जो ये कॉन्टिनेंट है इन्होंने ड्रिफ्ट करना स्टार्ट किया, ये ब्रेक होना स्टार्ट हो गए। समझ में आ गया? क्लियर है? अब मैं आपके सामने आगे बताने वाला हूं चीजों के साथ एक एक करके। अल्फ्रेड वैगनर साहब ने बताया कि ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट क्यों हुए। अब इनसे पूछा गया कि भाई वैगनर साहब, आप बता रहे हो कि हमारे ये कॉन्टिनेंट अलग अलग हो गए, ये अलग अलग पार्ट्स में हो गए, पहले एक सिंगल लैंडमास थी, कैन यू गिव द एविडेंसेस रिगार्डिंग कि ये क्यों अलग हुए, क्या आपके पास कोई लॉजिक है, क्या आपके पास कोई एविडेंसेस है कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स अलग क्यों हुए, क्या आप हमें बता पाओगे। अल्फ्रेड वैगनर साहब ने बोला बिल्कुल बता पाऊंगा सर कि ये सारे कॉन्टिनेंट क्यों एक दूसरे से अलग हुए, मेरे पास रीजन है, मेरे पास लॉजिक है, और वो लेके आए फोर्सेस और फैक्टर्स जिसके कारण कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट किए। समझिएगा, अगर अभी निकल गए ना तो आधे घंटे का चैप्टर बचता है, लाइफ में कभी समझ में नहीं आएंगे चीजें, याद रखना। ठीक है, क्लियर? तेथियस सी बेसिकली क्या हुआ, ये आपका पूरा एक सिंगल कॉन्टिनेंट था पेंजिया, इसके तरफ था पेंथालसा, तो जब ये कॉन्टिनेंट ब्रेक हुआ अंगारा लैंड और आपका गोंडवाना लैंड, तो जो वाटर था पेंथालसा का जो बीच में ये पार्ट बना, यहां पर जो फिलअप हो गया उसी को इन्होंने बोला है तेथियस।
इनके बीच का जो पार्ट है उसको 3380 बोला है, ठीक है। आइए अब मैं बात करता हूं आगे की तरफ। अब बात करते हैं कि फोर्सेस कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल है अकॉर्डिंग टू वेगनर। फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड ड्रिफ्टिंग, जो हमारी कॉन्टिनेंट ने ड्रिफ्ट किया है, उनके पीछे कौन कौन सी फोर्सेस है जो रिस्पॉन्सिबल है, ये चीजें पूछी गई है। फटाफट अच्छे से बताते हैं, समझ में आया? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, किसी को भी कोई कि सर क्या हुआ, कैसे कैसे फोर्स हुई, कौन कौन सी हुई। सबसे पहले इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया वो इन्होंने एग्जाम्पल दिया फोर्स ऑफ बायोन्सी का। फोर्स ऑफ बायोन्सी का व्हाट इज, इन्होंने बोला ड्यू टू द फोर्स ऑफ बायोन्सी, बायोन्सी फोर्स के कारण, याद रखना फिर मैं आपको बोल रहा हूं, ड्यू टू द फोर्स ऑफ बायोन्सी, ये आपके अलग अलग सेपरेट हुए कॉन्टिनेंट। इन्होंने बोला कि क्या हुआ, समझने की कोशिश करना, पोलर फिलिंग फोर्स में बताता हूं क्या हुआ। इन्होंने बोला कि जो हमारी अर्थ है ना, जिस स्पीड के साथ वो आज रोटेट कर रही है, समझने की कोशिश करना, इन्होंने क्या बोला कि जिस स्पीड के साथ जो हमारी अर्थ आज रोटेट कर रही है, आप सबको दिखता होगा कि हमारी अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेशन कर रही है, तो बताया गया कि एट द टाइम ऑफ कार्बनीफेरस अराउंड 200 मिलियन ईयर्स पहले जो अर्थ की रोटेशन स्पीड थी अपने एक्सिस पर, वो काफी ज्यादा थी प्रेजेंट फोर्स के कंपेयर में। समझने की कोशिश करना, इन्होंने बताया कि जो आपकी आज फोर्स है, ठीक है, उससे ज्यादा थी आपकी रोटेशन स्पीड अर्थ की अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अप्रोक्स की बात है, जिसके कारण क्या हुआ कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी वो इतनी इनफ हो चुकी थी, जिसके कारण जो आपके पार्ट्स थे वो मूव कर रहे थे टूवर्ड्स द इक्वेटर, और जिसके कारण आपकी टूवर्ड्स द इक्वेटर क्या हुआ, मूव हुआ, और वो टूवर्ड्स द इक्वेटर क्यों हुआ, ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ बायोन्सी फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉज हुई अर्थ के रोटेशन के कारण, और उसी के कारण ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुए। ये उन्होंने पहला एविडेंस दिया। दूसरा एविडेंस उन्होंने दिया कि जो आज का मून की पोजिशन है, जो आज मून की पोजिशन है, आज से 200 मिलियन ईयर्स पहले हमने बात की कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं या जो पूरा सोलर सिस्टम है, पूरा यूनिवर्स है, वो एक सिंगुलरिटी से बना है, एक सिंगल टाइनी पार्टिकल से बना है। तो जब ये टाइनी पार्टिकल से बना होगा तो आपको पता है यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड होने के कारण हमने बताया कि जरूरी नहीं है कि जो प्रेजेंट टाइम पर आज मून है वो मून उसी पोजिशन पर हो जिस जगह पर आज है। तो बताया जाता है कि जो ये अर्थ है ना, मून इसके पास था कंपैरेटिवली, जो आज की कंडीशन है, जो आज है उसके कंपेयर में मून पहले आपका पास था किसके, अर्थ के। तो उन्होंने बताया कि टाइडल फोर्स के कारण, ड्यू टू द फोर्स किसकी, जो हमारी अट्रैक्शन फोर्स है, इस टाइडल फोर्स किसकी, मून के कारण, समझने की कोशिश करना, इसके कारण क्या हुआ, हमारी अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगी और उस फोर्स ने क्या किया, इन कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट कर दिया। और बताया गया कि जो ये मूवमेंट है ये टूवर्ड्स द वेस्टवर्ड हुआ है, इस तरीके से वेस्टवर्ड मूवमेंट है। अगर आप इस अंगारा लैंड को देखोगे तो इससे आपका वेस्टवर्ड मूव हुआ है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इसी तरीके से अगर आप गोंडवाना देखोगे तो इसके वेस्टवर्ड थोड़ा सा मूव हुआ है जो हमारा कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है साउथ अमेरिका, ठीक है, समझ में आया। तो हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, रोटेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जिसके कारण क्या हुआ कि जो हमारा करंट है ईस्ट टू वेस्ट लगा, और वेगनर ने बोला कि इसी के कारण जो हमारा मून है ये टाइडल फोर्स इतनी एक्स्ट्रा लगी, जिसके कारण आपका मूव हुआ टूवर्ड्स द वेस्ट। और याद रखना कि ये जो मून की टाइडल फोर्स है एक तरीके से जिसके कारण ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करना स्टार्ट हो गए। समझ में आया किसी को, बायोन्सी फोर्स मतलब क्या होता है कि रोटेशन के कारण जब हमारी अर्थ अपने उस पर रोटेट कर रही थी, समझने की कोशिश करना। वेगनर ने सजेस्ट किया था, देखो पहले बताता हूं टाइडल फोर्स के बारे में, वेगनर ने सजेस्ट किया कि जो टाइडल फोर्स है, जो टाइडल है वो ग्रेविटेशनल पुल है मून का, समझने की कोशिश करना, क्योंकि जो मून आज है, ठीक है,
जो आज है मून उससे पहले पास में था, तो उसकी जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स थी वो ज्यादा थी, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर गए। और बताया कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा बहुत सन का भी था, बट सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था ड्यू टू द लार्ज डिस्टेंस उसका जो एक्सटेंट था वो लेसर था, बट मून का जो एक्सटेंट थी, जो पावर थी ग्रेविटेशनल फोर्स की, इट इज मच हायर, जिसके कारण ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर गए। बाद में जाके इनके ड्रॉबैक्स में भी चीजें आएंगी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। बायोन्सी क्या है? एक अपवर्ड फोर्स है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बट क्या हो रहा था कि जब ड्रिफ्ट हमारे अर्थ रोटेट कर रही थी, तो रोटेट करने के कारण उस टाइम पर उसकी स्पीड ज्यादा थी, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज्यादा थी। तो कार्बोनिफेरस पर रोटेटिंग करते टाइम आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा थी, जिसके कारण हमारी जो अर्थ है वो बेसिकली ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर दी ड्यू टू द बायोन्सी फोर्स, और जिसके कारण हमारी चीजें हुई, आपकी अर्थ ड्रिफ्ट हुई। इक्वेटर वर्ड्स समझने की कोशिश करना। अकॉर्डिंग टू द वैगनर द ड्रिफ्ट वॉज इन टू डायरेक्शन। इक्वेटर वर्ड, एक ड्रिफ्ट क्या हुआ टूवर्ड्स द इक्वेटर, एंड द इंट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी पोलर फीलिंग फोर्स ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉज्ड बाय द अर्थ रोटेशन। अर्थ के रोटेशन के कारण सेंट्रीफ्यूगल बायोन्सी फोर्स आपको पता है, जिसके कारण शिप फ्लोट करता है, उसी के कारण बायोन्ट फोर्स के कारण आपकी जो अर्थ का मूवमेंट था, जो पार्ट्स थे वो टूवर्ड्स द इक्वेटर था, जिसके कारण ये ड्रिफ्ट हुए आपके कॉन्टिनेंट। दूसरा है वेस्टवर्ड ड्यू टू द टाइडल करंट्स। उन्होंने बताया कि जो ग्रेविटेशनल पुल है मून का, जिसके कारण ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर गए। समझ में आया? तो उन्होंने ये दो रीजंस दिए जिसके कारण उन्होंने बताया कि हमारी जो अर्थ है वो कैसे हुई, क्या हुआ, क्या क्या चीजें हुई, पॉइंट, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम पोल टूवर्ड्स द इक्वेटर, एंड दिस इंक्रीज इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स has led to the polar filling force, और जिसके कारण polar filling force के कारण according to the Wagner हमारे continent drift किए। Tidal force is due to the attraction of sun and moon, जिसके कारण आपका क्या हुआ कि आपकी ये जो continents हैं इन्होंने drift करना start कर दिए, और ये forces के कारण continent दो part में drift कर दिए। ये उन्होंने evidences दिए कि हमारे continent क्यों drift किए, ये उन्होंने एविडेंसेस दिए। समझ में आया? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी? गाइज अगर आपको थोड़ा भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो प्लीज चीजों को रिपीटेशन मोड पर देखिए। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा रिपीट करके देखिए, क्लियर है? फिर आपको चीजें अच्छे से बेटर तरीके से समझ में आ जाएंगी एक एक करके, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक एक करके सारी चीज लेके आऊंगा कि कॉन्टिनेंट क्यों ड्रिफ्ट हुए, कैसे चीजें हुई, सारी चीजें आपको बताऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। क्लियर है? बताइए फटाफट, यहां तक चीजें समझ में आ गई? ओके, फाइन। अब मैं आगे आपके सामने दो तीन चीजों को डिस्कस करता हूं। गाइस एक बार प्लीज चीजों को, हाँ, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पक्का पढ़ा दूंगा, ठीक है, आने वाली क्लासेस में जियोलॉजिकल टाइम स्केल पक्का पढ़ा दूंगा। अब इन्होंने बताया कि वैगनर साहब ने कि हमारे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए थे। सबने एग्री किया, सही है वैगनर साहब, आपने बोला कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट किए, आपने बताया कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट करने के पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था। वैगनर साहब ने बताया कि जो हमारे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए हैं, इनके ड्रिफ्ट करने के पीछे जो रीजन रहे, वो रीजन रहे दो फोर्सेस के। एक तो बायोन्सी फोर्सेस जो हमारा रीजन था, जिसमें हमारी पोलर फीलिंग वाला था, और दूसरा टाइडल फोर्सेस का एग्जाम्पल दिया कि जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उन्होंने ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये हमारे दो एविडेंसेस दिए, और दोनों एविडेंसेस किस किस ने दिए वो मैंने आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं आपके सामने आता हूं, इन्होंने रीजन दिए ड्रिफ्ट क्यों हुए। पहले इन्होंने फोर्सेस बताई कि वो ड्रिफ्ट क्यों हुए, अब ये एविडेंसेस दे रहे हैं। अब इनसे बोला कि ठीक है, आपने बोला कि ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर गए, अब आपके पास क्या एविडेंसेस हैं कि ये कॉन्टिनेंट पहले एक साथ थे, अब ये अलग अलग हो चुके हैं। अल्फ्रेड वैगनर साहब से बोला कि अब बताइए आप कि ऐसा क्या हुआ, आपके पास क्या एग्जाम्पल्स हैं कि ये कॉन्टिनेंट पहले एक साथ थे अब अलग अलग हो गए। तो सबसे पहला एडवांटेज या सबसे पहला जो एविडेंसेस लेके आए वो एविडेंसेस था जिगशॉ।
तो बेसिकली दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स जो लेके आए उन्होंने, अपरेंट एफिनिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, बॉटेनिकल एविडेंसेस, प्लेसर डिपोजिट, टिलिट डिपोजिट, डिस्ट्रीब्यूशन फॉसिल प्लस रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियंस. ये अलग अलग उन्होंने एविडेंसेस दिए जो मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं क्या है एक एक करके. सबसे पहले बात करते हैं अपरेंट एफिनिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, या आप इसको बोल सकते हो जिग शॉ फिट, इसको बोल सकते हो जिग शॉ फिट. उन्होंने बोला कि सर मैं आपको एक सिंपल पॉइंट बताता हूं और इसको प्लीज समझने की कोशिश करना. इन्होंने बोला कि अगर आप साउथ अमेरिका की कोस्टलाइन को और आप अफ्रीका की कोस्टलाइन को मैच करोगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली एकदम बिल्कुल फिट एंड फाइन आपको मिलेंगी. इन्होंने बोला कि अगर हमारे पास ये अफ्रीका और क्या चीज है, अफ्रीका और जो साउथ अमेरिका है, अगर आप इस दोनों कॉन्टिनेंट को इस तरीके से मिलाओगे तो आप नोटिस करोगे ये दोनों कॉन्टिनेंट इस तरीके से बिल्कुल फिट होते हुए आपको दिखेंगे. ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो जिक्शो, एक तरीके से इन्होंने बोला कि जो जिक्शो फिट है, जो सिमिलरिटीज है, आउटलाइंस है कोस्टलाइन की, वो इसका एविडेंसेस है. ये चीज इन्होंने बताया. ठीक है, इन्होंने बताया कि जो बेसिकली ये आउटलाइंस है कॉन्टिनेंट की, ये मोर देन, समझने की कोशिश करना, इन्होंने बताया कि अगर आप इनको मोर देन 1000 meters बिलो द सी लेवल, उस डेप्थ पर भी ये जो एफिनिटी है, जो ये जिक्शो फिट है, ये आपका देखने को मिलेगा. ये चीजें भी आपकी बताई गई इन्होंने. समझ में आ गया, क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, किसी को भी, तो इन्होंने क्या बताया कि अगर आप इनकी जिक्शो फिट को देखोगे, अगर आप यहां से ये सऊदी अरेबिया और अफ्रीका को हटाओगे, अगर आप इंडिया को, मेडागास्कर को, इन सबको अरेंज करोगे तो आप देखोगे अपरेंट एफिनिटी का मतलब है दीज फिजिकल फीचर्स आर सेम. अपरेंट एफिनिटी है मतलब इनके फिजिकल फीचर्स के साथ साथ इनकी जिक्शो फिट की भी, That means ये मिल रहे हैं आपस में, इनकी जो कोस्टलाइन है वो मैच कर रही है. यहां पर अगर जो कोस्टलाइन है वही कोस्टलाइन अगर दोनों तरफ मैच कर रही है. और भी बहुत सारे रीजन है जो मैं अभी आपके सामने बताने वाला हूं. इन्होंने बताया कि जो बल्ज है ब्राजील का और जो आपका गल्फ ऑफ गियोना है, बेसिकली दिस इज द नोन एज द गल्फ ऑफ गियोना, और यहीं पर ये जो ब्राजील का बल्ज है, अगर आप इन दोनों को फिट करोगे तो बिल्कुल अच्छे से एक साथ प्लेस करेंगे. उसके साथ इन्होंने बताया कि अगर आप ग्रीनलैंड को, एल्समेरे आइलैंड और जो बैफिन आइलैंड है कनाडा के, उनके साथ फिट कर सकते हो. बेसिकली जो यहां पर एल्समेरे आइलैंड है, ग्रीनलैंड है, तो आप इनकी अगर आप नोटिस करोगे तो ये भी एक दूसरे के साथ आपको फिट होते हुए दिखेंगे. ये एविडेंसेस दिए अल्फ्रेड वैगनर साहब ने. समझ में आ गया, दैट मींस कॉन्टिनेंट्स की जो कोस्टलाइंस है उनकी मैचिंग हो रही है. फिर इन्होंने बोला कि अगर आप जो कोस्टलाइन है अफ्रीका की, इंडिया की और मेडागास्कर की, यहां पर ये मेडागास्कर है, पीछे आइए दोबारा अच्छे से दिखाऊंगा, एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा. इन्होंने बोला कि अगर आपका जो मेडागास्कर है यहां पर, आप इस मेडागास्कर को ज्वाइन करोगे अफ्रीका के साथ, इंडिया को ज्वाइन करोगे अफ्रीका के साथ, तो ये परफेक्टली जिक्शो फिट होती हुई दिखेंगी. ये एक और एविडेंसेस दिया जिक्शो का. उसी के साथ साथ इन्होंने बताया कि जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है और अफ्रीका और यूरोप के एक साइड है, वहां पर अटलांटिक रिज है, अटलांटिक रिज है, दैट मींस ये पहले साथ में थे, उसके बाद ये ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुए, और जब ये ड्रिफ्ट हुए तो वहां पर नीचे से रिज बनी और एस शेप में एक ओशन बना, और उस ओशन का नाम है अटलांटिक ओशन. और उस अटलांटिक ओशन का जो फॉर्मेशन हुआ वो तभी हुआ जब आपका अंगारा लैंड का जो लॉरेशिया लैंड है उसका जो अबव
जो पार्ट है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया में डिवाइड हुआ, तो अटलांटिक ओशन का नदन पार्ट, और वहीं पर जब यूरोप और वो अफ्रीका और साउथ अमेरिका बाई पार्ट हुए तो आपका उसका सदन पार्ट बना अटलांटिक ओशन का, और जब ये दोनों ड्रिफ्ट हुए तो नीचे से वॉल्केनिक इरप्शंस होने के कारण वहां पर रिजेस का फॉर्मेशन हुआ, जिसके कारण आपके कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। समझ में आया? ये चीज बताई इन्होंने यहां पर, क्लियर है? उसके बाद इन्होंने दूसरा एविडेंसेस दिया एक बहुत अच्छा, कि अगर आप देखोगे सेलिडोनियन और हर्शिनियन माउंटेन्स हैं, सेलिडोनियन और हर्शिनियन माउंटेन्स हैं जो बेसिकली अगर आप देखोगे, और एप्लीचियन माउंटेन है, एक कंटिन्यूस सीरीज रही थी। इन्होंने बोला कि यहां पर जो एप्लीचियन माउंटेन है ये सेलिडोनियन माउंटेन्स है, तो अगर आप इनको यहां पर ये देखिए, ये वाला एप्लीचियन माउंटेन, यहां पर ये सेलिडोनियन हर्शिनियन इस तरीके से जो माउंटेन है, इन्होंने बोला कि ये माउंटेन रेंज एक तरफ थी, एक सिंगल थी, बट जब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गए तो हमने देखा कि ये उसी टाइम पीरियड के माउंटेन है, ये उसी टाइम पीरियड के माउंटेन है, दैट मींस ये वाला पार्ट पहले एक साथ रहा होगा, जिसके कारण ये सेम एज के बने। ठीक है, क्लियर है? तो दैट मींस इन्होंने बोला कि जो फ्रेगमेंट्स है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के, जो आज से 450 या 400 मिलियन ईयर्स पहले बने थे, वो सेपरेट हुए हैं, और सेपरेट होने के कारण वो माउंटेन्स आपके जो सेलिडोनियन फोल्ड माउंटेन्स है, वो आपके ग्रीनलैंड वाले पार्ट में, वो कनाडा में, वो आयरलैंड में, इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देखने को मिले हैं। इट मींस अगर वही माउंटेन यहां पर स्कैंडिनेवियन, इंग्लैंड, आइसलैंड, यूरोप इस वाले पार्ट में मिले, प्लस आपके यहां पर कनाडा वाले, एल्समेरे, ग्रीनलैंड वाले पार्ट में मिले, इट मींस ये पहले साथ में होंगे, उसी से ये सारी चीजें बनी थी। समझ में आया? तो ये क्या था? दैट मींस आपके टेक्टोनिक फिट होने का एक और एविडेंसेस था कि ये कॉन्टिनेंट साथ में रहे होंगे। क्लियर है? ये आपका सेकंड एविडेंस था जो आपका बेसिकली आप बोल सकते हो कंटिन्यूस फाउंड आपके माउंटेन रेंजेस। अब इनका क्रिटिसिज्म हुआ, इन्होंने बोला कि जो कोस्टलाइंस है ना, ये टेम्परेरी फीचर्स है। मैं आगे जाके क्रिटिसिज्म और डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीजों के साथ क्या हुआ, कैसे कैसे हुए। ठीक है, आइए मैं आपके बताता हूं, समझने की कोशिश करना। ठीक है, उसके बाद मैं आपके सामने एक और एविडेंसेस लाता हूं, जो एविडेंसेस इन्होंने दिया दैट इज बोटेनिकल एविडेंसेस। इन्होंने एक और एविडेंसेस दिया जिसको बोटेनिकल और फॉसिल एविडेंसेस बोला जाता है। इन्होंने बोला कि बेसिकली बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं कि जिससे पता लगता है कि ये कॉन्टिनेंट पहले एक साथ रहे होंगे और ये बाद में ड्रिफ्ट किए हैं। मतलब क्या? इन्होंने बोला कि आपका एक फॉसिल है मेसोसोरस, मेसोसोरस एक फ्लैश वाटर रेप्टाइल है, मेसोसोरस एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, वो मेसोसोरस हमें साउथ अमेरिका में भी देखने को मिलता है, वो हमें अफ्रीका में भी देखने को मिलता है। हाउ इज इट पॉसिबल कि ये दोनों कॉन्टिनेंट में मिल जाए? और जो रिजेक्ट करने वाले थे उन्होंने बोला कि मे बी पॉसिबल है कि ये वाटर के थ्रू दूसरे कॉन्टिनेंट में चला गया होगा। तो बेसिकली इन्होंने बोला कि सर ये एक फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, तो फ्रेश वाटर रेप्टाइल हाउ इज इट पॉसिबल कि ये ओशियन और जो सॉल्टी वाटर है उससे ट्रेवल करके ये दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंच गया होगा। सो ये एविडेंसेस दिए, दैट मींस ये कॉन्टिनेंट पहले एक साथ रहे होंगे और यहां पर मेसोसोरस रहता होगा, जब ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर गए तो कुछ मेसोसोरस इस वाले अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, और कुछ अफ्रीका में चले गए। तो इन्होंने एक और एविडेंसेस दिए कि दैट मींस कि यहां पर दोनों तरफ आपके ये रेप्टाइल देखने को मिले हैं, बॉटेनिकल एविडेंसेस देखने को मिले हैं। समझ में आया? उसके बाद इन्होंने एक और एग्जांपल दिया कि एक फॉसिल फर्न है जो बेसिकली जितने भी सदर्न कॉन्टिनेंट्स हैं, दैट मींस आइदर इट इज अफ्रीका, आइदर इट इज साउथ अमेरिका, इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया, जितने भी सदर्न कॉन्टिनेंट है वहां पर एक फॉसिल फर्न है वो आपको देखने को मिली है हर एक कॉन्टिनेंट में। दैट मींस इट इज द एविडेंसेस कि ये कॉन्टिनेंट पहले एक साथ रहे होंगे। यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया इसके साथ अटैच है, ये अंटार्कटिका यहां अटैच है, ये इंडिया है, ये अफ्रीका है, ये साउथ, दैट मींस ये गोंडवाना लैंड का पूरा पार्ट एक साथ अटैच रहा होगा, जिसके कारण
ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज द सेकंड और थर्ड एविडेंस जो इन्होंने दिया, क्या था? फॉसिल एविडेंसेस का दिया इन्होंने, किसका? फॉसिल एविडेंसेस का। समझ में आ गया? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। बॉटेनिकल एविडेंसेस, उसके बाद आगे क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इन्होंने एक और एविडेंसेस दिया, रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियन। इन्होंने एविडेंसेस दिया कि 200 मिलियन ईयर्स पहले फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद द वेस्टर्न अफ्रीका। मतलब बोला कि अगर हमने नोटिस किया, इन्होंने बोला कि हमने अगर रॉक है, अगर मैंने यहां के रॉक के सैंपल लिए इस वाले एरिया में, ठीक है, और यहां पर भी मैंने रॉक के सैंपल लिए, तो मैंने फाइंड आउट किया कि जिस एज की रॉक यहां पर मुझे अफ्रीका में मिली, उसी एज की रॉक मुझे साउथ अमेरिका में मिली। सो हाउ इट इज पॉसिबल कि जो रॉक यहां पर फॉर्म्ड हुई वही रॉक यहां पर सेम एज में फॉर्म्ड होगी? इट मींस यहां पर जो एक रॉक है वो कंप्लीट रॉक फॉर्म्ड हुई और ये रॉक सेम एज में हुई, उसके बाद ये कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर गए तो इस रॉक का इधर वाला पार्ट इस साइड में चला गया एंड दिस पार्ट मूव टूवर्ड्स द दिस पार्ट दैट इज द साउथ अमेरिका पार्ट। ये एविडेंसेस इन्होंने दिए कि आपके जो रॉक्स है ना वो भी सेम एज की देखने को मिली है। ये एक एविडेंसेस दिया है किसने? आपका। उसके बाद बात करते हैं टिलिट डिपोजिट के बारे में। टिलिट डिपोजिट के बारे में समझने की कोशिश करना कि क्या है, कैसे है, क्या क्या चीजें हैं, समझा? अब मैं आपके सामने बताता हूं टिलिट डिपोजिट क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीजें आपको समझ में। ये टिलिट डिपोजिट क्या है? इन्होंने बताया कि अगर आप चीजों को नोटिस करोगे, समझने की कोशिश करना टिलिट डिपोजिट क्या है, यहां पर आके इस इमेज के थ्रू आप सारी चीजें समझ जाओगे। आइए, इन्होंने बोला कि जो ये साउथ अमेरिका इसका ये वाला पार्ट, वहीं पर अफ्रीका का ये वाला पार्ट, इंडिया का ये वाला पार्ट प्लस ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पार्ट। इन्होंने बोला कि हमें यहां पर ग्लेशियर डिपोजिट मिले हैं, हमें यहां पर ग्लेशियर डिपोजिट मिले हैं साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर हमें ग्लेशियर डिपोजिट मिले हैं। दैट मींस क्या? हमें एविडेंसेस मिले हैं कि जो यहां पर रॉक्स हैं, इन रॉक्स के ऊपर से एक टाइम पर ग्लेशियर मूव कर रहा होगा, एक टाइम पर यहां पर ग्लेशियर मूव कर रहा होगा। हमें एविडेंसेस देखने को मिले हैं इन पार्ट्स में, इन एरियाज में। ये बात बोली है आपके किसने? अल्फ्रेड वेगनर साहब ने बोला। हाउ इज इट पॉसिबल अगर कॉन्टिनेंट मूव नहीं किए हैं, अगर कॉन्टिनेंट मूव नहीं किए हैं तो हाउ इज इट पॉसिबल ये रीजन नियर द इक्वेटर है, ये रीजन नियर द इक्वेटर है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि इस हाई टेम्परेचर पर यहां पर ग्लेशियर्स रहे होंगे? ठीक है, क्लियर है? तो या ये आप बोल सकते हो कि अगर ये कॉन्टिनेंट मूव नहीं किए हैं जिस पोजीशन पर हैं, इसका मतलब ये है कि जो साउथ पोल वाला एरिया है यहां से लेके इक्वेटर के पास तक जो ग्लेशियर्स हैं, जो ग्लेशियर्स की आइस शीट्स हैं, वो एक्सटेंड हुई होंगी कहां तक? साउथ पोल से लेके आपका इक्वेटर तक। बट गाइस, जो साउथ इक्वेटर वाला पार्ट है वहां पर रीजन ही नहीं है टेम्परेचर हाई होने के कारण कि वहां पर ग्लेशियर मिल जाए। समझ में आ गया? तो इट मींस दैट कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक ना एक टाइम पर नियर द साउथ पोल के पास रहे होंगे, जिसके कारण यहां पर ये रीजंस और ये एविडेंसेस दिए हैं। दैट मींस दैट कि आप देख सकते हो ये जो हमारी प्लेट्स है, ये वाला जो पूरा पार्ट है इतना यहां पर, ये टूवर्ड द साउथ पोल होगा और साउथ पोल होने के बाद ये इस तरीके से ड्रिफ्ट होके इधर गया होगा, इंडिया ऊपर की तरफ गया होगा, ऑस्ट्रेलिया इधर की तरफ गया होगा। आप देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया का ये सदर्न पोर्शन है, अंटार्कटिका। इट मींस कि ये वाला पोर्शन टूवर्ड्स द साउथ पोल होगा। उसके बाद ड्रिफ्ट करने के बाद जब इन्होंने मूव किया होगा, अलग अलग जो प्रेजेंट पोजिशंस हैं, इस वजह से यहां पर हमें ग्लेशियर एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। दैट मींस हमारा कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट किया होगा। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत परेशानी?
एनी वन ऑफ यू क्या है, कैसे है सर, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी, एनी वन ऑफ यू कि सर क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, समझ में आया, बताइए फटाफट, किसी को भी कोई क्या कैसे हुआ, एक एक चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश की, फटाफट बताइए वन बाय वन, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो कि सर क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये तो ना जाना, बताइए फटाफट फटाफट बताइए जल्दी, एवरीवन इज फाइन, क्लियर है, लाइक शेयर करते रहिए अगर चीजें समझ में आ रही हो, ठीक है। ये इन्होंने एविडेंसेस दिए, किसने, आपके अल्फ्रेड वेगनर साहब ने अलग अलग। फिर इन्होंने एक और एविडेंस दिया जिसको बोला प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट मतलब इन्होंने बोला कि सर, समझने की कोशिश करना, इन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो हमारा साउथ अमेरिका है, यहां पर इस वाले एरिया में हमें वेंट देखने के लिए मिले हैं, वेंट देखने के लिए मिले हैं, वेंट मतलब एक तरीके से पाइप, प्लेसर डिपॉजिट के वेंट देखने को मिले हैं, और यहां पर हमें वेंट देखने को मिले हैं, और इस वाले एरिया में जो घाना कोस्ट है यहां पर हमें गोल्ड डिपॉजिट देखने को मिले हैं। तो सर इसका मतलब दो चीजें हो सकती हैं, अगर हमें यहां पर अफ्रीका के घाना में गोल्ड डिपॉजिट देखने को मिले हैं तो उस गोल्ड डिपॉजिट के लिए कहीं ना कहीं हमें वेंट भी होनी चाहिए, जिस वेंट में से वो गोल्ड डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट अर्थ के अंदर से बाहर की तरफ आए। तो दैट मींस अगर हमें यहां पर गोल्ड डिपॉजिट मिले हैं तो हमें यहां पर कोई वेंट भी दिखना चाहिए जिससे हमारे जो गोल्ड के पार्टिकल्स है वो सरफेस पर आए, ठीक है। बट हमें यहां पर सिर्फ गोल्ड डिपॉजिट मिले हैं, कोई भी वेंट का एविडेंसेस नहीं मिले। इन्होंने बोला कि जो साउथ अमेरिका है, ब्राजील की कोस्ट है, हमें वहां पर वेंट के एविडेंस मिला है, हमें वहां पर वेंट मिला है। अगर हमें वहां पर वेंट मिला है बट हमें उस वाले एरिया में कोई गोल्ड के डिपॉजिट नहीं मिले हैं, इसका मतलब इन्होंने बोला कि अगर यहां पर वेंट है तो यहां पर गोल्ड कहां गया। तो इन्होंने बोला कि पहले ये दोनों एक साथ कंबाइन थे और जो ये वेंट था इसमें से गोल्ड का डिपॉजिट यहां पर हुआ और ये डिपॉजिट वाला पार्ट इधर की तरफ चला गया, गोल्ड वाला और वेंट वाला साउथ अमेरिका में। दैट मींस इट इज द नेक्स्ट एविडेंसेस कि हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो पहले एक साथ रहे होंगे। सो रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आर फाउंड इन द घाना कोस्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका, बट द सोर्स ऑफ गोल्ड बियरिंग वेंट, गोल्ड बियरिंग वेंट जो वेंट थी वो ब्राजील में मिली है। सो इट इज ऑब्वियस दैट द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना ड्राइव फ्रॉम द ब्राजीलियन प्लेटू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। दैट मींस यहां पर ये वेंट है, ये वेन है और यहां से डिपॉजिट हुए हैं, तो ये वाला पार्ट तो चला गया अफ्रीका में और ये वाला पार्ट रह गया साउथ अमेरिका में। सो ये एक और एविडेंसेस हैं डिपॉजिट के, समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी, एनी वन ऑफ यू, सर क्या हुआ कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आया, मजा आया, क्लियर है। आप कुछ पीछे भी तो पढ़ते हैं, अल्फ्रेड वेगनर साहब के क्रिटिसिज्म भी तो लेते हैं। अब ड्रॉबैक्स आए, अल्फ्रेड वेगनर साहब की थ्योरी के पीछे पड़ गए लोग बाग, वेगनर साहब आपको गलत लेने के लिए, आपको गलत ठहराने के लिए हम पीछे खड़े हैं। उन्होंने बोला क्या हुआ सरकार बताइए, उन्होंने बोला कि आपने बोला कि जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो मीसोजोइक टाइम पर ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुए, वो अराउंड 200 मिलियन ईयर्स पहले ड्रिफ्ट करना स्टार्ट किए। सर हमें ये बताइए कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स थे वो तो पहले से ही फॉर्म्ड हो चुके थे, तो वो कॉन्टिनेंट 200 मिलियन ईयर्स पहले या जो मीसोजोइक टाइम पीरियड है, मीसोजोइक एरा है, तभी पर क्यों ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुए, उससे पहले वो क्यों ड्रिफ्ट नहीं हुए, उससे पहले वो क्यों ड्रिफ्ट नहीं हुए। ये पहला एविडेंस, ये पहला उनको ड्रॉबैक बताया उनकी थ्योरी के, आप बता नहीं पाए कि पहले क्यों नहीं ड्रिफ्ट हुए। दूसरा ड्रॉबैक, आपने यहां पर सिर्फ ड्रिफ्ट ऑफ कॉन्टिनेंट को बताया है, आपने ओशियंस के बारे में कुछ नहीं बताया कि ओशियंस कैसे फॉर्म्ड हुए, ओशियंस का क्या हुआ,
ये चीजें आप बिल्कुल भी नहीं बता पाए, और अल्फर्ड वैगनर साहब से ये बोला। इसी चीज को समझते हुए बाद में अलग अलग थ्योरीज आई, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कन्वेक्शन सेल थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये आने वाली एक दो क्लासेस में हम पढ़ने वाले। तो ये दूसरा एविडेंस प्रूफ था। तीसरा बोला कि जो आपकी थ्योरी है ना, ये हाईली एजम्पशंस पर है। ये जो आपकी थ्योरी है ना, ये प्रूफ्स के बजाय ज्यादा एजम्पशंस पर है। आपने चीजों को एज्यूम किया है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, तो ये थ्योरी एजम्पशंस पर ज्यादा है, याद रखिएगा। समझ में आया? ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि आपने बताया फोर्सेस लाइक बायोन्सी और टाइडल और ग्रेविटी जिनके कारण कॉन्टिनेंट मूव हुए। उन्होंने बोला कि इट इज नॉट पॉसिबल कि जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको अर्थ को ड्रिफ्ट करने के लिए, जो आज मून की फोर्स है उसको मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा तब जाकर वो कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट करवा पाएगी। इट इज नॉट पॉसिबल कि वो कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट कर पाए। तो ये उनका दूसरा, उन्हीं के पीछे ये पॉइंट भी उनका गलत ठहरा दिया गया। उसी के साथ साथ बोला कि जो मॉडर्न थ्योरीज है लाइक प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अब मैं कंक्लूजन के ऊपर बात करता हूं आपके इस टॉपिक के ऊपर। गाइस बेसिकली ये थ्योरीज आपको पता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मेजोरिटी ऑफ साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, डिस्प्यूटेड रहे डेकेड तक बहुत ज्यादा। बट गाइस अगर मैं बात करूं जैसे जैसे आने वाले टाइम पर जो थ्योरीज आई, जिसमें अगर मैं बात करूं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी 1967 के अप्रोक्स में आई, विच इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरीज, गाइस उन थ्योरीज के पीछे आपकी चाहे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हो, उन्होंने पेंजिया लैंडमास के बारे में आपका जो ड्रिफ्ट हुआ है उसका रीजन अलग बताया, बट उन्होंने चीजों के पीछे लॉजिकल आंसर के लिए इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया है। सो गाइस जितनी हमारी फ्यूचर्स में थ्योरी आई है उन थ्योरीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो दिस थ्योरी इज साइंटिफिकली अनसाउंड ऑन वेरियस ग्राउंड, बट दिस थ्योरी इज सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर द स्टडी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, फॉर द स्ट्रेंथ फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर थ्योरीज लाइक सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरीज एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज। जो अपकमिंग टाइम पर, आने वाले टाइम पर जो थ्योरीज आई, जो मैं कल परसों की आने वाले क्लासेस में पढ़ाऊंगा, सो दीज थ्योरीज आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरीज एंड दीज थ्योरीज आर द फ्यूचर। जिन इस थ्योरीज के ऊपर जो फ्यूचर थ्योरी आई, उन्हीं ने इसी थ्योरी का बेस लेते हुए कहीं ना कहीं अपने एविडेंसेस और अपने प्रूफ्स के साथ चीजों को, नई नई थ्योरीज को लेके आए, जिसमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, कन्वेक्शन सेल करंट थ्योरी और आपकी लास्ट जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वो थ्योरीज थी। ये थ्योरीज आने वाले टाइम पर हुई। ठीक, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत परेशानी, किसी को भी चीजें समझ में? एक बार प्लीज जितने भी स्टूडेंट हैं, मोर देन 100 से ज्यादा, लाइक शेयर कर दीजिए प्लीज क्लास को। सभी स्टूडेंट एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है गाइस। कम ऑन फास्ट, सभी स्टूडेंट एक बार लाइक शेयर कर दीजिए फटाफट जल्दी से, फटाफट जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट। कम ऑन फास्ट, ड्रॉबैक वाला पीडीएफ दिखा दीजिए, लीजिए सर दिखा दी। समझ में आया? किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो गाइस, जो मैक्सिमम चीजें हो सकी हैं, वीडियो प्राइवेट तो नहीं होगी गाइस, रेगुलर चीजों को देखा करो, लाइव आके देखा करो, ताकि बाद में आपके साथ ये इश्यूज ना आए। प्लीज मैं इसलिए बोलता हूँ, रेगुलर 9 PM पर टाइम निकाल लीजिए, इसी टाइम आकर अपनी वीडियोस, अपनी क्लासेस को लीजिए, ताकि आप अच्छे से चीजों कर सको। और गाइज ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इन सेशंस को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, अदरवाइज आने वाले अपकमिंग टाइम्स में आप पर रिग्रेट करोगे चीजों के साथ कि सर ने फ्री में जो जो चीजें और जो जो कंटेंट पढ़ाया है। ठीक है, अब मुझे बताइए, एनी वन ऑफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल प्लेट थ्योरी, रिगार्डिंग एनी एविडेंसेस, रिगार्डिंग एनी ड्रॉबैक्स, रिगार्डिंग एनी पॉसिबल्स जो फोर्सेस हैं, रिगार्डिंग ड्रिफ्टिंग एंड ऑल, सब चीजें क्लियर है? आने वाली क्लासेस में सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कन्वेक्शन करंट थ्योरी और आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को मैं पढ़ाने वाला हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्लाइमेट चेंज वाला पॉइंट और जो प्लेट वाला, वो वाला पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। बेसिकली अल्फर्ड वैगनर ने बोला कि सर जो आपका
अर्थ है समझने की कोशिश करना उन्होंने क्या बोला कि जो उनका एविडेंसेस था क्लाइमेट चेंज को लेके, उन्होंने बोला कि जो आपका क्लाइमेट आपको दिख रहा है प्रेजेंट टाइम पर, जैसे अफ्रीका है, जैसे एशिया है, जो आज यहाँ पर क्लाइमेट है ना, इससे पास्ट में क्लाइमेट कुछ और था, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हुआ है यहाँ पर। तो क्लाइमेट चेंज होने के लिए दो फैक्टर है। अगर मैं आपको बोलूं कि इस एरिया में जो है आपका क्लाइमेट चेंज हुआ है, समझने की कोशिश करना, अगर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूं किसी भी चीज को समझने की, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर जो इंडिया है, जो अफ्रीका है, यहां पर क्लाइमेट कुछ और है, जो प्रेजेंट टाइम में क्लाइमेट है ऐसा क्लाइमेट नहीं है, तो उसके पीछे उन्होंने बोला कि सर यहां पर क्लाइमेट चेंज हुआ है तो उसके पीछे दो रीजन है, या तो यहां पर जो प्रेशर बेल्ट है आज के टाइम पर वो कुछ और रही होंगी। रीजन सही है ना कि प्रेशर बेल्ट जो है वो जो आज यहां पर है ऐसी पास्ट में नहीं होंगी। दैट मींस यहां पर या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होगा या आपका कुछ अलग डिफर होगा, सन का मूवमेंट के कारण प्रेशर बेल्ट का मूवमेंट चेंज हुआ होगा। बट इट इज नॉट पॉसिबल कि प्रेशर बेल्ट चेंज हुई हो, या तो प्रेशर बेल्ट चेंज हुई होंगी या आपके जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उन्होंने ड्रिफ्ट किया होगा। मतलब अगर यहां पर क्लाइमेट बहुत लो था, यहां पर ग्लेशियर आइस शीट्स के रिमेन्स मिले हैं, यहां पर ग्लेशियर्स के डिपॉजिट्स मिले हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि इस वाले एरिया में ग्लेशियर कैसे आ गए नियर द इक्वेटर। या तो प्रेशर बेल्ट यहां पर जो हाई है वो लो होनी चाहिए, वो इस वाले एरिया में, सॉरी, जो लो है वो हाई प्रेशर बेल्ट होनी चाहिए, या हमारे जो कॉन्टिनेंट है वो टूवर्ड्स द साउथ पोल की तरफ होंगे और वो ड्रिफ्ट करके टूवर्ड्स द इक्वेटर आए हैं। इनकी पोजीशन पहले पर यहां पर होगी और यहां पर ग्लेशियर्स के एविडेंसेस देखने को मिले हैं, यहां पर ग्लेशियर्स मूव होते हुए दिखे हैं, इन रॉक्स के ऊपर जो रॉक्स के रिमेन्स इंडिया के अंदर मिले हैं उनके ऊपर से। तो दैट मीन्स यहां पर जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर दो में से एक है, या तो प्रेशर बेल्ट कुछ और रही होंगी यहां पर, या आपके जो कॉन्टिनेंट है उन्होंने ड्रिफ्ट किया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे गायब हो रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मॉर्निंग में क्लास है 10:30 में, कल एनवायरमेंट की 1 PM की क्लास नहीं है। मैं आपको एनवायरमेंट पर ऐप पर परसों से करूंगा, क्योंकि गाइस मैं बहुत ज्यादा स्ट्रक था कुछ अर्जेंट काम में, सारी वीडियो प्लस आपकी जो 26 को एनवायरमेंट और पूरा जो कॉम्बैट है, याद रखना AM10 कोड यूज करके कॉम्बैट जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अनअकैडमी ऐप पर मैंने अब क्या आप लोगों के लिए एनवायरमेंट के क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं, आने वाली टाइम पर एनवायरमेंट और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मैं क्रिएट करता रहूंगा। यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है, यहां पर आपको मैं बहुत डिटेल में चीजें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, एंड इट्स माय प्रॉमिस सारी चीजें, ठीक है, तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से कवर मिलेंगी, अच्छे से, ठीक है। देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है हमेशा, गाइस मैं हमेशा आपको बोलता हूं, हमेशा याद रखना कि दो चीजें आपके पास, दोनों में से कुछ भी सोच सकते हो। मैं आपको बोल रहा हूं, एक सिनेरियो है कि हमारी लाइफ है ना वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, एक सिनेरियो हमारी लाइफ बहुत छोटी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारी लाइफ बहुत छोटी है, तो गाइज अगर मैं बात करूं आपकी एज 20 इयर्स होगी, तो आने वाले एवरेज एज में 75 भी लगाता हूं, तो आने वाले टाइम पर अभी आपको 55 इयर्स इस वर्ल्ड में, इस इंडिया में सरवाइव करना है, एंड फ्यूचर टू फ्यूचर बहुत मुश्किल है सरवाइवल। अगर आपको लगता है लाइफ बहुत छोटी है, तो मैं आपको बोलता हूं कि इस छोटी सी लाइफ में आपके पास टाइम बहुत कम है, अभी भी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इस टाइम को वेस्ट कर सको। आपको लगेगा सर अभी तो हमें लगता था कि हम फर्स्ट सेकंड क्लास में थे, मुझे कभी कभी रियलाइज होता है कि यार अभी मैं कुछ टाइम पहले 6th क्लास में पढ़ता था, मैं स्कूल में ऐसे जाता था, मैं कॉलेज में ऐसे जाता था, लाइफ में टेंशन नहीं होती थी, अब मैं 29-30 का हो चुका हूँ, ये सिनेरियो मेरे लाइफ में मेरे साथ आ गया है, तो मुझे फ्यूचर कैसे। बट मुझे लगता है कभी कभी यार लाइफ बहुत छोटी है, बहुत बड़ा नाम करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाना है, बहुत काम बचा हुआ है, अभी तो अलग अलग फील्ड है मेरे, बहुत अलग अलग। सर मैं आपको बताता हूँ, आपको लगता है कि मैं यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ वही मेरा एम है, सिर्फ वही एम है कि आपको पढ़ाऊँ, अच्छे से चला जाऊँ, मुझे सैलरी मिले। सर 10 एम्स है मेरी लाइफ में, और ये एम छोटे बड़े नहीं है, बहुत बड़े बड़े एम है, बहुत बड़े बड़े एम। और ट्रस्ट मी, मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, एक चीजें सेटल्ड होने के बाद भी
मुझे लगता है चीजों के साथ अच्छे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी आपके पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है अगर आपको लगता है, और इतना कम भी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि लाइफ हमारी बहुत छोटी है चली जाएगी। जब लाइफ में आगे आओगे ना सर्वाइवल के लिए गाइस, अगर मैं बात करूँ सर्वाइवल, फिटेस्ट फॉर द सर्वाइवल, इस जो कंपटीशन की लाइफ में बहुत मुश्किल लाइफ हो जाएगी। तो प्लीज मेक श्योर कि इस टाइम को बहुत ही अच्छे से यूज कीजिए, जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है। हमेशा याद रखना कि लाइफ में पॉजिटिव्स के साथ जाना, होप्स हो कि सब चीज बेस्ट हो, नहीं होगी ना प्रॉब्लम है कि पक्का आने वाले अपकमिंग टाइम पर वो डेफिनेटली अच्छी होगी। याद रखना समय की सबसे अच्छी चीज है कि वो बदल जाता है, तो यही चीज बोलूंगा कि पीछे का पास्ट क्या किया कैसे किया ये चीजें मैटर नहीं करता, आने वाले अपकमिंग फ्यूचर कैसा है वो बहुत मैटर करेगा आपके ऊपर, ठीक है, हमेशा याद रखना। ठीक है, मैं अब आपको एक पॉइंट बताता हूं, मेरे साथ के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 95, 99, 98 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट हैं, बहुत स्टूडेंट हैं, एंड ट्रस्ट मी वो अपनी लाइफ में सर्वाइवल नहीं कर पा रहे। रीजन ये नहीं दे रहा हूं कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूं, रीजन ये दे रहा हूं कि आई एम नॉट द टॉपर ऑफ द क्लास, आई एम अबव एवरेज स्टूडेंट, बट मैंने चीजों के साथ हार्डवर्क किया, मैंने अनअकैडमी में आया, ऑफलाइन क्लासेस चीजें थी, धीरे धीरे करके कैसे कैसे मैं पेस होता चला गया। वही चीजें हैं कि उन स्टूडेंट ने उस टाइम पर इतनी अच्छी क्वालिटी ऑफ नॉलेज होते हुए, इतनी क्वालिटी अच्छी परसेंटेज सब कुछ होते हुए, लाइफ में वो लोग उस चीज को यूटिलाइज नहीं कर पाए आने वाले टाइम तक। अगर वो 12th के बाद आने वाले 4-5 ईयर्स उस चीज को और कंटेन कर पाते तो डेफिनेटली बहुत अच्छी पोजीशन पर होते। सेम पॉइंट इज विद यू, अगर आप आने वाले 4-5 ईयर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे तो लाइफ क्या होगी और लाइफ क्या नहीं होगी उन दोनों के बीच में आपको एक डिफरेंस बताना चाहता हूं। मैं ये नहीं बताना चाहता कि मैं बहुत ही अच्छे पे हूं, मैं तो यही बता रहा हूं कि मैं पहले अबव एवरेज स्टूडेंट था, आई एम नॉट द टॉपर ऑफ द क्लास, बट बाद में बीटेक की लाइफ में सर्वाइवल के लिए अच्छे से कंपटीशन किया, चीजों को अच्छे से पढ़ा, अपने फैमिली से अपने पेरेंट्स से दूर रहा, बाहर रहा, चीजों के साथ लोगों के अच्छे बुरे सब लोग देखे सब चीज, पर उसमें भी क्या चीजें हमें लेनी है क्या नहीं लेनी वो चीज हमें डिसाइड करनी होगी। बिकॉज एट द एज ऑफ 20.5, 21 के अप्रोक्स आई एम कंप्लीटिंग माई बी टेक, मैं दिल्ली शिफ्ट होता हूँ, उस एज में एक लाइफ होती है, आप किसी भी लाइफ में जा सकते हो, पेरेंट्स थे, फैमिली कंडीशन सही थी, अच्छे से घर वाले अच्छा अमाउंट भेजते थे, कुछ भी कर सकते थे, बट लाइफ को कहाँ पर किस जगह पर जाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि किस तरफ से आपको चीजों को जाना है, ठीक है, किस पॉइंट पर जाना है, लाइफ है आपके पास, ये दो रास्ते हैं इस समय, अगर इफ यू आर एट द एज ऑफ 20, दो रास्ते हैं लाइफ को, टाइम पास, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, उल्टे सीधे शौक, उस तरफ जा सकते हो, या ये लाइफ है। ये लाइफ पता है क्या चीज है, इस लाइफ दोनों रास्तों में पता है क्या डिफरेंस है, ये लाइफ है ना अभी बहुत स्मूथ दिखेगी, बहुत ज्यादा स्मूथ, जैसे अगर आप कभी दिल्ली से जाओगे ना, अगर दिल्ली से आप मनाली जाओगे या दिल्ली से कहीं लेह लद्दाख जाओगे, तो वही चीज है कि अगर आप जा रहे हो ना किसी पाथ पर तो आपको चंडीगढ़ तक बहुत स्मूथ हाईवे दिखेगा, बहुत स्मूथ हाईवे, बहुत ही अच्छे से अराउंड 200 किलोमीटर आपको बहुत स्मूथली दिखेगा, आपकी जो कार है वो 100 किलोमीटर 120 140 की स्पीड से चल रही। आगे जाओगे ना तो लाइफ में आपको बहुत अप्स डाउन्स देखने को मिलेंगे, और वही चीज है एक पाथ यहाँ पर है, इस पाथ में आपको स्टार्टिंग में अप्स डाउन्स मिलेंगे, बट आफ्टर 4-5 ईयर्स आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। तो वही चीज है कि हमें देखना है कि अभी के अप्स डाउन्स या अभी स्मूथ लाइफ और बाद का फ्यूचर कैसा करना है, ठीक है। ठीक है, यही चीजें हैं, तो मैं आपसे यही चीजें बात करता हूं कि लाइफ आपके ऊपर है, आज का जो टाइम पीरियड है इसको कैसे यूटिलाइज करना है, अच्छे से कीजिए, बहुत अच्छी लाइफ होने वाली। सही में मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर मैं अच्छे से चीजें पढ़ा सकता हूँ, अच्छे से कर सकता हूँ, तो आपसे प्रॉमिस करता हूँ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, आप सब लोग कर सकते हो, आपके अंदर सबके अंदर टैलेंट है, आप जैम को याद रखना, एंड जैम कभी भी हार नहीं मानते लाइफ में, वो हमेशा मोटिवेट होके अपनी लाइफ की तरफ, अपने विजन की तरफ हमेशा जाते रहते हैं। तो हमेशा मैं आपसे
एवरी डे मैं आपसे 5 मिनट्स इसी टॉपिक पर बात करता हूँ, बीच में कोई अननेसेसरी डिस्कशन नहीं रखता, इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हमारी लाइफ के जो गोल है ना उसमें कंसंट्रेशन जितना ज्यादा आज हम कर लेंगे हमारा फ्यूचर उतना बेटर होगा। ट्रस्ट मी, लाइफ बहुत ही टफ है, बहुत हार्ड है, आज का प्रेजेंट सिनेरियो बहुत टफ है एंड इट्स माय प्रॉमिस आने वाली एज और टफ होगी। ये पॉइंट आप याद रखें, ठीक है? ओके, समझ रहे हो गाइस? तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो एक बार। उसी के साथ साथ अगर मैं टाइम टेबल के बारे में बात करूं, मैं आपके सामने एक बार टाइम टेबल को डिस्कस कर देता हूं। गाइज याद रखना, कल मेरी मॉर्निंग में अनअकैडमी ऐप पर 10:30 पर क्लास रहेगी, जिसके अंदर मैं 1000 टॉप 1000 एमसीक्यू कवर कर रहा हूं ज्योग्राफी के, जिसके अंदर मैं कंप्लीट ज्योग्राफी कवर कर रहा हूं एमसीक्यू क्वेश्चंस की फॉर्म में, और यहां पर टॉप 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जस्ट यूज द कोड कैपिटल AM10। इस कोड को यूज करके आप फ्री में क्लास में एंटर कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नथिंग कुछ नहीं देना आपको, जस्ट यूज द कोड कैपिटल AM10। ठीक है, अच्छे से चीजों को कीजिए, सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। उसी के बाद गाइस 1 PM पर कल इन्वायरमेंट की नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से चीजों को क्रिएट कर रहा हूं। उसके बाद 3 PM पर याद रखिएगा, 3 PM पर आपकी अनअकैडमी ऐप पर, याद रखना 3 PM पर अनअकैडमी ऐप पर कंप्लीट क्वालिटी चल रही है, कंप्लीट क्वालिटी एम लक्ष्मीकांत टॉपिक वाइज। तो गाइस कल की जो हमारी क्लास है उसमें जो टॉपिक होने वाला है दैट इज सिटीजनशिप, ये सिटीजनशिप का जो टॉपिक है इससे रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है, ये पूरा कवर करूंगा, फ्री क्लास है, जस्ट यूज सिंपल कोड कैपिटल AM10 और अनअकैडमी ऐप पर है ये दोनों क्लासेस। और 9 PM पर कल यहीं पर मिलेंगे और जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक को आगे कवर कर रहे होंगे। और आने वाले लास्ट के 2-3 days में मैं मैराथन सेशंस लेके आऊंगा कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स के, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल है unacademy_anirudhmalik, सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए unacademy_anirudhmalik, कोई स्टूडेंट आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर देगा नीचे, तो उसके साथ एक मेरा कमेंट में डिस्कशन ग्रुप है, वहां पर आपको जो टॉपिक्स है रिगार्डिंग किसके मैराथन सेशंस पढ़ने हैं सजेस्ट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, वो मैं मैराथन सेशंस के टॉपिक बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। तो गाइस बिल्कुल भी डिले मत कीजिए, इन क्लासेस को जितना जल्दी हो सके अटेंड कीजिए, AM10 कोड है, इस कोड को यूज करके आप चीजों को अवेल कर सकते हैं, मेरे एंड से मेंटरशिप गाइडेंस स्ट्रक्चर कोर्स टाइम टेबल आपको सब मिलने वाला है। ओके गाइस, तो अभी के लिए आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं, बाय, टेक केयर। उसी के साथ साथ गाइज आप लोग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन है पूरी प्रीलिम्स, पूरी मेंस, पूरी आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन जर्नी, सब चीजें आपकी पूरी कवर होंगी। ठीक है, आप जैसे ही AM10 कोड यूज करोगे आपको डिस्काउंट, मेरी मेंटरशिप गाइडेंस, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस फेज में पढ़ना है, किस अप्रोच के साथ पढ़ना है, हर चीजों में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ। बट नोट वन पॉइंट कि गाइस कौन से टीचर्स होंगे, कैसे होंगे, हर चीज में, बट याद रखना अगर आप मेरा कोड यूज कर रहे हो तो तभी करना जब आपको लगता है कि यार मुझे पोटेंशियल है, मुझे चीजें हैं, मुझे करना है, क्योंकि तभी मैं आपके साथ अपना टाइम भी निकालूं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट दूं आपका मैनेजमेंट के लिए, हर चीजों के लिए। और बहुत सारे स्टूडेंट है, ट्रस्ट मी, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे डिसअपॉइंट करते हैं एज द स्टार्टिंग फेज, बहुत पंप अप होते हैं, बहुत पावर के साथ, सर प्लीज, और वही स्टूडेंट सबसे ज्यादा कॉल करेंगे, सर मुझे ये हेल्प चाहिए, सर मुझे आप इतना टाइम, मैं उस चीज के लिए रेडी होता हूँ। स्टार्टिंग के 15-20 days तक वो एक्टिव रहते हैं, उसके बाद चीजों के साथ दोबारा डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस फेज के स्टूडेंट नहीं चाहिए, अच्छे से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव मैनर में जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं वही आप सब्सक्रिप्शन के AM10 कोड यूज करके ले सकते हैं। मेरे पॉइंट से हर चीज में आपको एडवांटेजेस मिलने वाली है रिगार्डिंग ऑल योर जर्नी, UPSC रिगार्डिंग बुक लिस्ट, रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग अप्रोच, रिगार्डिंग आपको टाइम टेबल, रिगार्डिंग कौन से एजुकेटर से पढ़ना है, रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें कोई भी डाउट, सब चीजों में हेल्प मिलेगी। वहीं पर मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी, यू आर फ्री टू कॉल मी और मैसेज मी, वहां पर पूछ सकते हैं। कभी ऐसा हो सकता है जब मैं बिजी हूँ आपकी हेल्प ना कर पाऊँ, बट मे बी लेटर मैं आपके मैसेज और कॉल्स का रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर है गाइस? सो टाटा, बाय, टेक केयर, मॉर्निंग में मिलते हैं 10:30, 3 PM और 9 PM, बाय, टेक केयर, सी यू गाइस। एनवायरनमेंट की क्लास हमारी आज, टुडे इज 24, 25, 26 से हमारी एनवायरनमेंट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, टाटा।
लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, मिलते